अगर इस नाले की टाइम पे सफाई हो जाए तो कभी बाढ़ ना आए। एक गांव वाले गुहा गिरते हैं, एक गांव वाले जितना कूड़ा जितना जमादार गली गए हैं सब आकर यहीं जी में फेंकते हैं, सब बंद पड़ा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये जो जितनी भी रेलिंग इन्होंने लगाई है, ये सारी रेत में रेलिंग लगाई है, अगर नीचे से लगाई होती तो ये रेलिंग क्यों टूट जाए। ये तो अभी थोड़े दिन पहले लगाई है, ये अभी थोड़े दिन पहले लगाई है इन्होंने। हाँ। अभी तो 2-3 महीने हुए हैं। नीचे से बेस वगैरह ठीक नहीं लगाया ना, बेस लगा नहीं, तभी तो ये सारा बह गया पानी के अंदर। नाले की सफाई भी नहीं हुई थी, नाले की सफाई भी नहीं करी इन लोगों ने। जितने गांव वाले हैं, डंगर पशु रखे हुए हैं, सबका गोहा इसी में है। आप फोटो खींच के डाल दो इनकी। ठीक है, आपका नाम क्या? मेरा नाम हरबंस है जी, रविंद्र बटाला। बेटा क्या हुआ था कल? कल बहुत तेज बारिश आई थी, ये सारा पूरी टूट गया था, ये काफ़ी तेज आई थी, ग्राउंड भी भर गया, चौंकी भी डूब गई थी, पानी हो गया था चौंकी में भी, ये सारा टूट गया भाई। वैसे जीरपुर बना हुआ है, वैसे पुल बन जाएगा, वो बढ़िया रहेगा, वही रुक सकते हैं। पिछली बार भी हुआ था ऐसा? हाँ, पिछली बार भी बहुत टूट गया भाई। अच्छा, ये अभी पीछे जो रेलिंग बनी हुई है ये तो अभी बनी? हाँ, ये तो ऊपरी रखी थी, ऐसे ऊपरी रखी हुई थी, ये तो नीचे मतलब इस तरीका से बनती, फिर तो ना टूटती, वो ऊपर ही रखी हुई थी, करके गिर गया था वो।